Good morning, guys. मेरी सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है. मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है. मैंने एक्सरसाइज कर लिया है. मैं कल रात को आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी और इतनी तेज बारिश और इतनी आवाज़ हो रही थी बर्फ़ गिरने की वजह से, तो मैंने उसको बनाया नहीं. थोड़ा बहुत बनाया जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. और दिल्ली तो कल बर्फ़ से पूरी ढक गई थी, कश्मीर की तरह हो गई थी, कुल्लू कश्मीर की तरह हो गई थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. और पर बर्फ ने बहुत, आंधी तूफान ने, बारिश ने बहुत गंदा कर दिया, जो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है. और मैं तो करना है ये सारी मैंने इकट्ठी की है. और ये देखिए ठंडी हवा भी चल रही है. अभी मैं इसको आप लोगों को बर्तन में भर के दिखाऊंगी. ये देखिए गाइस, पूरी प्लेट भर गई है, तो आधी पिघल भी गई है. ये मेरे बैल्कनी में आई है बर्फ ढेर सारी. बचपन याद आ गया. बचपन में ऐसे ही हम लोग खेलते थे बर्फ में, मजे करते थे. ये देखिए दिल्ली में भी बर्फ गिर सकती है, ऐसा भी हो गया है. बहुत पहले गिरती थी बर्फ जब हम बहुत छोटे होते थे. अब देखिए मैं आपको प्लेट में भर के दिखा रही हूँ ढेर सारे बर्फ. ये देखिए वॉशिंग मशीन, ये बैल्कनी मेरा किचन वाला बैल्कनी, क्या हाल कर दिया है, सब गंदा कर दिया है. और ये दोनों भी दुबक के बैठे हुए थे डर कर, बहुत ज़्यादा ना डर रहे थे. मैंने इनको ढक दिया. अब तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, धूप निकली है, लेकिन मेरा बहुत सारा काम है. ये देखिए मैंने इससे इनको ढक दिया था ऐसे कर. ये भी डर रहे थे कि बर्फ़ कैसे गिर रही है, बहुत गंदा हो गया, पूरा साफ करना है. वॉशिंग मशीन तक की बर्फ में सफाई भी कर रही थी साथ में, फिर भी इन्होंने रात में देखो कितना गंदा कर दिया. अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है, अब इसका मतलब है अब गर्मी आने वाली है और थोड़ी सी ठंड से पशु पक्षियों को भी राहत मिलने वाली है. और फिर गर्मी से परेशान हो जाएंगे इन लोग, ऐसे ठंड में बेचारे बैठे रहते हैं. मुझे तो बहुत दया आता है इनको देख करके. हम लोग रजाई के अंदर रहते हैं और इन लोग कैसे ठंड में एकदम दुबक के बैठे रहते हैं. बर्फ़ गिर रही थी तो सारे कबूतर डर रहे थे कल. सुबह उठ के सबको ऐसे मुस्कुराना चाहिए फूलों की तरह, इन फूलों की तरह. मैं
मैंने कपड़े धोने के लिए ढाल दिए हैं और मशीन से पानी निकलेंगे, साथ में मैं सफाई भी करती रहूँगी बालकनी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, बहुत टाइम लगेगा इसको साफ करने में। आज ठंडी हवा भी चल रही है। बारिश ने गिरा कि मेरा काम बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत मिट्टी जम गई है, सारे गमलों में से मिट्टी निकल चुकी है।
तो देखिए गाइस, मैंने ये बैल्कनी को क्लीन कर दिया फाइनली। बहुत गंदा हो रहा था, अब मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी। मैंने कपड़े भी धो लिए, आधे कपड़े धुल चुके हैं मेरे। मैंने कपड़े सुखा दिए और अच्छी खासी धूप निकल गई है, सूख जाएंगे शाम तक ये कपड़े सारे। मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। बाहर का काम, बैल्कनी का सारा फिनिश हो गया मेरा और अब मैं घर का स्टार्ट कर रही हूँ। झाड़ू मैंने ऑलरेडी लगा लिया था, अब मैं पोछा से स्टार्ट कर रही हूँ अपना काम। पूरे घर में मेरे को अभी पोछा लगाना है। अब मेरा सिर्फ मॉपिंग रह जाता है और मैंने सारे घर का काम कंप्लीट कर लिया। मॉपिंग कर लूँगी मैं सारा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा यही सारा दिन का रूटीन था। मैं बहुत थक गई क्योंकि मैंने बहुत सारा अभी सफाई किया है। कल आंधी तो आई थी और बर्फ़ तो गिरे थे और हमको फील भी हो रहा था कि हम लोग शिमला में हैं, कुल्लू में हैं और कश्मीर में हैं। पर काम भी हम लोगों के लिए बहुत बढ़ गया क्योंकि साथ में मिट्टी भी काफ़ी और बहुत गंदा हो गया था, तो उसको करते करते आज सारा दिन हो गया। तो मैं अब जा रही फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर मेरा फिर पूजा वगैरह करना है, उसके बाद मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ। और मेरा कल का कुछ और प्रोग्राम है, मैं शायद बाहर जाऊँगी घूमने। तो जब जाऊँगी तो आप लोग मेरे साथ जरूर से मिलेंगे, तो आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तो मैं जाती हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, होकर फिर अपना पूजा विदा करूँगी। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ आज। आप सब मेरी तरफ से बात।